गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स एक्सरसाइज 6.3। इन प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 6.1, 6.2, व्हाट इज द फ्रैक्शन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 6.3 इन विच वी विल डिस्कस अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। व्हाट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? इक्वल फ्रैक्शन कि दोनों की वैल्यू सेम है, बस थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है। जैसे मैंने लिखा 3/4 एंड 6/8, दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं। बिकॉज कैसे, देखो 3 × 6 एंड 4 × 8 बिल्कुल सेम है ना। जैसे मैंने लिखा 7/14 एंड 28/56 सेम है। देखो 7 × 4 = 28, 14 × 4 = 56। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी फ्रैक्शन को सेम नंबर से ऊपर और नीचे, मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, जो फ्रैक्शन आती है, और जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है, मीन्स ओरिजिनल फ्रैक्शन और न्यू फ्रैक्शन दोनों क्या होंगी? इक्विवेलेंट होंगी, अगर आप उन्हें सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे भी मैंने 7/14 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो जो ओरिजिनल नंबर कौन सा था? 7/14, और न्यू नंबर कौन सा है? 28/56। दोनों क्या होंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन ए पार्ट 18/21 6/बॉक्स, बताना है बॉक्स में क्या आएगा। ऐसे ही बी पार्ट 7/9 = (बॉक्स/63). देखो हम बेटा कि 6 की टेबल में 18 कितने पे आता है? 3 पे आता है। अब किसकी टेबल स्टडी करें यहाँ पे कि 3 पे 21 आ जाएगा 7 की टेबल से? या फिर ऐसे कर सकते हो कि अगर आप इस फ्रैक्शन को सेम टेबल से कट करो, दोनों 3 की टेबल में जाएंगे, 3 की टेबल से 6 पे, 3 की टेबल से 7 पे, 6 का 6 तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? 7। ऐसे दिमाग लगा सकते बेटा। अब देखो 9 की टेबल में 63 कितने पे आता है? 7 पे आता है। इसका मतलब हमने इसको 7 से मल्टीप्लाई करा, नीचे करा तो ऊपर भी करा, वरना ऊपर वाला नाराज हो जाएगा। 7 × 7 = 49। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बाकी दोनों क्वेश्चन बेटा आप सेल्फ करना। मेक द ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है? देखो ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बतानी है कौन कौन सी है। अब आसान तरीका है, देखो वो बिल्कुल आसान तरीका है, 2/3 7/9 17/20। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 4/6 21/27 68/80। अगर ध्यान से देखोगे कि 2/3 और 4/6, 2 × 4 = 3 × 6, ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं, इक्वल एंड फ्रैक्शन है। पहला पेयर तो बन गया ये, दूसरा पेयर 7 × 3 = 21 9 × 3 = 27, ये भी दोनों क्या हैं? सेम है, क्योंकि सेम टेबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। और उसके बाद वो बचा हुआ उसके इक्वल आएगा, क्योंकि 17 × 4 = 68 होते हैं और 20 × 4 = 80 होता है, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का पेयर बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, टिक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कि कौन कौन से इक्वल हैं। इसको करने के दो तरीके हैं बेटा, इसको चेक करने के दो तरीके हैं कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। अगर तुम्हें अच्छे से टेबल आती है तो 7 की टेबल में 84 कितने पे आता है? 12 पे होता है। अच्छा 9 की टेबल में 12 पे क्या आता है? 108 आता है। हाँ जी सही है, लेकिन ये तो थोड़ा सा तुम्हें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए कौन सा तरीका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करने के लिए? यू हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे? 108 को मल्टीप्लाई करो 7 से, और इधर चेक करो 9 को चेक करो 84 से, बीच में कोई साइन नहीं आना चाहिए। 7 × 8 = 56,
756 दोनों इक्वल हैं। हाँ जी, इसका मतलब ये टिक लगेगा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर इक्विवेलेंट नहीं आएंगे तो हम क्रॉस कर देंगे। अब आता है बात कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना। कोई भी फ्रैक्शन हमें गिवन है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करना है। अभी मैंने बताया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने का मीनिंग क्या है कि आपको सेम नंबर से न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, 2/5। क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच गिवन फ्रैक्शन। तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, ऊपर भी और नीचे भी। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तब ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन भी हम आगे सीखेंगे लास्ट एक्सरसाइज के अंदर, 6.6 या 6.7 के अंदर। बाकी थोड़ा सा देख लो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 को 2 से करेंगे 10, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 5 4 जा 20। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाले डिजिट का ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले डिजिट का नीचे से मल्टीप्लाई। एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है बेटा आपकी। कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। अब आपके टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन का मीनिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए बेटा आपको पहले। जैसे अपने कंपेयर करते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो थिंग्स के बीच में, कि देखो वो शॉप वाला है उसने तो ये वाली ड्रेस 300 की दी है 300 की, लेकिन उसी दूसरे शॉप वाले ने सेम ड्रेस जो है वो जो 400 की दे रहा है। अपने कंपेरिजन करते हैं कि हाँ उसने 100 रुपये ज़्यादा लगाए हैं। ऐसे दो बच्चों का टेस्ट हुआ, मार्क्स आए, एक के मार्क्स 20 में से 20 आ गए, एक के मार्क्स 20 आउट ऑफ 10 आ गए, 20 में से 10 आए हैं, 20 आउट ऑफ 10 ही आए हैं। तो कंपैरिजन करते हैं कि हाँ एक बच्चे के मार्क्स जो हैं वो कम आ गए हैं मतलब। तो कंपैरिजन का मीनिंग क्या होता है कि किसके ज़्यादा हैं और किसके कम हैं, मीन्स कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कौन सी फ्रैक्शन है जो ग्रेटर फ्रैक्शन है, कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर फ्रैक्शन है, ये दोनों इक्वल फ्रैक्शन है, वो होता है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन करने का वे क्या रहेगा, सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के वे से हम कंपैरिजन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी पहले एक फंडा आएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले कैसे अपने चेक कर सकते हैं कि दोनों फ्रैक्शन जो हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ये अपने मोस्टली फिफ्थ स्टैंडर्ड के अंदर भी क्वेश्चन करोगे। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 2/7 एंड 1/7, दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है, सेम। अगर दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन भी बड़ा। अगर दोनों फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर सेम है, इसमें था डिनोमिनेटर सेम, अब है न्यूमिनेटर सेम, ऊपर वाले डिजिट सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, जिसकी नीचे वाली डिजिट छोटी होगी वो फ्रैक्शन बड़ा होगा अगर न्यूमिनेटर सेम है तो। अब कहानी आती है कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों ही सब कुछ अलग अलग है, 13/4 एंड 9/7, इसके न्यूमिनेटर भी नहीं मिल रहे और डिनोमिनेटर भी नहीं मिल रहे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, कौन बड़ा है कौन छोटा बताते हैं। 13 इसका न्यूमिनेटर था लेफ्ट हैंड साइड में रहा, 9 इसका न्यूमिनेटर है राइट में है राइट में रहेगा, 7 को ऊपर लेके जाओ, 4 को ऊपर लेके जाओ, 13/7 जा 91, 9/4 जा 36, दोनों में से बड़ा कौन है 91, 91 कौन से सर्किल के लिए, 13 के लिए, इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है 13/4 बड़ा होगा 9/7 से, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है दूसरे वाली फ्रैक्शन छोटी है। आसान है, कैसे करेंगे क्वेश्चंस, देखो इन तीन लॉजिक के बिहाव पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक चीज़ और कि जो प्लस की डिजिट होगी वो माइनस से हमेशा बड़ी होगी, ये भी कॉन्सेप्ट है, आपको बचपन में बताया गया होगा कि प्लस वाली जो डिजिट है वो माइनस से हमेशा बड़ी होगी। आपने नंबर लाइन देखी है, नंबर लाइन पे जब हम लोग राइट हैंड साइड में प्लस की तरफ जाते हैं तो हम बढ़ते ही जाते हैं, रुकते नहीं हैं। फिर देखो जी क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर 1 कंपेयर, कैसे कंपेयर करेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखो, 5/7, 7/19,
हाँ जी देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, न्यूमिनेटर भी अलग है डिनोमिनेटर भी अलग है, क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले 5 के ऊपर सर्किल, इधर 7 के ऊपर सर्किल, दोनों के न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर लिख लो, 19 को ऊपर लेके जाओ, इस 7 को ऊपर लेके जाओ, 19 5 जा 95, 7 7 जा 14 है, दोनों में से कौन बड़ा है 95 बड़ा है, किसके लिए आया 5 के लिए आया, तो 5 वाली डिजिट बड़ी रखेंगे हम। ऐसे ही बाकी वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद को करने होंगे। सेकंड क्वेश्चन भी कंपेयर ही करना है, एंड की जगह आप ऐसा बॉक्स बना लोगे सेम क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं बेटा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन को सॉल्व करना। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटी डिजिट आएगी मतलब छोटा फ्रैक्शन आएगा, उसके बाद बड़ा आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी डिजिट आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/4, 3/5, 2/5, 3/4, एक मिनट, 3/4, 3/5, 2/5 और 1/2 करें। असेंडिंग ऑर्डर में करना है मतलब छोटे से बड़ा करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर का। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम लेना मैंने आपको चैप्टर 3 में सिखाया था ग्रुपिंग मेथड से, 4, 5, 5, 2 किसकी टेबल जाएंगे, 2 की टेबल से, कहाँ पे 2 पे 5 आता नहीं है, 5 का 5, 2 की टेबल से 1 पे 5 आता नहीं है, 1, 5 की टेबल से 1, 1, 1, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, एलसीएम कितना का 20। अब सबका डिनोमिनेटर 20 बनाऊंगा मैं, कैसे बनाऊंगा देखो ध्यान से, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा मैं, 3/4, 3/5, 2/5, 1/2, 4 की टेबल में 20 कितने पे आता है 5 पे, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 की टेबल में 20 4 पे, 5 की टेबल में 20 4 पे, नीचे भी तो ऊपर भी, 2 की टेबल में 20 10 पे, अब मल्टीप्लाई करके देखता हूँ क्या बना, हाँ जी 3/5 = 15, 4/5 = 20, डिनोमिनेटर सबका ही सेम है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ, 2/4 = 8, 5/4 = 20, 10/1 = 10 अपॉन में 20। मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर जब सेम आ जाए, जिसका डिनोमिनेटर सेम आ जाए, सबका डिनोमिनेटर सेम है ना, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा वो सबसे बड़ा। अब असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, सबसे छोटा कौन है 8, किसके लिए आया 2/5 के लिए, उसके बाद कौन है बड़ा 8 के बाद कौन आएगा 10, 1/2 क्योंकि इसके लिए आया, 10 के बाद कौन है 12, 3/5 और फिर सबसे बड़ा कौन है 3/4। ऐसे ही आपको बाकी के तीनों क्वेश्चन करने हैं। फोर्थ पार्ट में क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले एलसीएम लेना है, ऐसे सेम करना है, उसमें बड़े से छोटा लिखना है, आसान है, बस साइन ही चेंज हो जाएंगे, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 तो है नहीं, 4/5 नहीं, एक्सरसाइज 6.5 में दो ही क्वेश्चन है, मैं आपको करा देता हूँ एक एक पार्ट, फिर आप खुद अपनी रफ नोटबुक में कर लेना, कोई डाउट आएगा तो बेटा मेरे से डिस्कस कर ही लोगे। बहुत आसान यूनिट है, और आसान भी है और काम भी बढ़िया आएगी, जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक आपके काम आएगी। फ्रैक्शन का चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 6.5। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल, सबसे सिंपल हो, सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग ये है कि HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 1, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 होना चाहिए तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अदरवाइज सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। मेरे को चेक करना है 5/7 को, मैं 5 और 7 का HCF चेक करता हूँ, HCF के लिए अलग अलग करना पड़ेगा,
फाइव इंटू वन सेवन इंटू वन, इनका एच सी एफ क्या रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, वन आ रहा है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म, यस। अब मैं चेक कर रहा हूँ 17 अपॉन 34 को, दोनों का एच सी एफ चेक करता हूँ, 17 की टेबल से 1 पे, 34 की टेबल से 34 किसी 2 की टेबल से आएगा, 17 इंटू 1 17 इंटू 2, दोनों में एच सी एफ क्या आ रहा है, 17। मैं तो कहता हूँ कि 1 ही आना चाहिए, 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब नो इट इज नॉट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, आगे वसन कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो आप उनको चेंज करो, ये बेटा बहुत काम आएगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना, आपको है या नहीं है देख के चेंज करना उसको। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 अपॉन 20, इसको करने के दो तरीके हैं बेटा, आसान इजी जो आपको लगे वो कर लेना। 14 अपॉन 21, दोनों सेम टेबल में आते हैं किसी ना किसी की टेबल में, हाँ जी आते हैं, किसकी टेबल में आते हैं, 7 की टेबल में आते हैं, 7 से कट कर दो, 7 2 जा 7 3 जा, अब ये किसी और की टेबल से कटेंगे, सेम टेबल से कटने चाहिए, नहीं कट रहे ना, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। दूसरा तरीका 14 और 21 का एच सी एफ फाइंड करो, क्या आएगा, 7, दोनों को 7 की टेबल से कट कर दो, अगर नहीं पता चल रहा कि किसकी टेबल से कटेंगे, जैसे इसका बी पार्ट क्या है, 24 अपॉन 36, बड़ी टेबल का तो नहीं पता कटेंगे या नहीं कटेंगे, लेकिन छोटी से छोटी टेबल कौन सी पता चल रही है कि दोनों इवन नंबर, दोनों 2 की टेबल से जाएंगे, कहाँ पे, 2 की टेबल से 12 पे, 2 की टेबल से 18 पे, दोनों इवन नंबर है, 2 की टेबल से 6 पे, 2 की टेबल से 9 पे, दोनों 3 की टेबल में आते हैं, 3 2 जा 3 3 जा, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो कि 24 और 36 का एच सी एफ फाइंड कर लेना, वो आएगा बेटा 12, अब दोनों को तुम चाहो तो डायरेक्ट 12 की टेबल से कट कर सकते हो, 12 2 जा और 12 3 जा, दोनों तरीके आसान है, जो तुम्हें मन करता हूँ वही क्वेश्चन कर लेना। 6.5 तक तो बेटा आपके कंप्लीट है, 6.6 और 6.7 हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी डाउट आता है आप डिस्कस कर लेना, फेयर नोटबुक में करना हो फेयर में कर लेना, रफ में करना हो रफ में कर लेना, एज यू विश, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आता है आप मेरे को फ़ोन कॉल करके डिस्कस कर लेना। थैंक यू बेटा, बाय बाय।